बिहार में मंडी व्यवस्था लागू करने, किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने, खाद और बीज की आपूर्ति सुनिश्चित कराने जैसे मुद्दों पर आज विपक्षी दल राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्यों ने विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन किया। सारे मुद्दा को भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी बिहार में किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए तो बिहार में एपीएमसी एक्ट को जो वापस लिया गया है तो एपीएमसी एक्ट को भी बहाल करना होगा। और बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि मंडी व्यवस्था लागू करो और 3,000 रुपया एमएसपी का जो सवाल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान के लिए और अन्य फसलों के लिए वो लागू करना होगा। मनरेगा के साथ कृषि को जोड़ना होगा। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोगों ने बिहार विधानसभा में के सदन पटल पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है और हम लोग जोरदार ढंग से मांग करेंगे कि एपीएमसी एक्ट बहाल कीजिए, मंडी व्यवस्था बहाल कीजिए, किसानों और अन्य फसलों के धान खरीद तथा 3,000 रुपया प्रति क्विंटल अन्य फसलों की खरीद की गारंटी कीजिए। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान उनकी पार्टी किसानों के मुद्दों पर लगातार आवाज उठा रही है। बिहार के किसान तड़प रहे हैं, डीएपी नहीं मिल रहा है, खाद बीज की आपूर्ति जो सरकार की जिम्मेदारी है समय पे आना चाहिए क्योंकि खेती बाड़ी का काम समय पे होता है। अभी रबी की फसल अभी होनी है, गेहूं की फसल, और ब्लैक में मिलता है। जो आपूर्ति सेंटर से यहाँ आनी है बिहार में उसका प्रतिशत भी घट गया है। तो सेंटर और बिहार कहती है कि एक ही सरकार है तो डबल इंजन की सरकार खाद के प्रोविजन में, बीज के प्रोविजंस में कमजोर हो चुकी है और उसकी वजह से बिहार के किसानों को तकलीफ हो रही है। उधर भाजपा विधायक हरिशंकर ठाकुर बचौल ने बिहार में मंडी व्यवस्था की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को फसल कहीं भी बेचने की छूट दे रखी है। मंडी व्यवस्था बहुत बुरा चीज है, जो नहीं जानते हैं कितना सुंदर कृषि कानून था, हल्ला करके उसको वापस करवा लिए। मंडी व्यवस्था के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। खुले व्यापार, किसान अपने उत्पाद को जहां मन हो तहां बेचे, ये नहीं कि मंडी में बेचे।